कायस्थ समाज द्वारा स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर कायस्थ समाज के अध्यक्ष अशोक सक्सेना के मार्गदर्शन में युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर लीड कॉलेज स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वह स्वामी जी द्वारा पूरे विश्व को जो संदेश दिया गया उसे याद किया गया और उनके प्रेरणादायक वचन सभी को याद दिलाए गए। रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य रहे स्वामी विवेकानंद को सम्मानित करने के लिए 12 जनवरी का दिन विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज तो समाज के सदस्य बृजेश सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हमारे देश के महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी वह महापुरुष है जिन्होंने सनातन धर्म को पूरे विश्व में फैलाया है और अमेरिका में जो उन्होंने उद्बोधन दिया वो विश्व के बेहतर उद्बोधन में एक था। हालांकि महापुरुष किसी भी जाति धर्म एवं संप्रदाय के नहीं होते हैं, परंतु हमें ये कहते हुए गर्व होता है कि स्वामी विवेकानंद भी एक कायस्थ थे और आज हम उन्हीं की जन्म जयंती मनाते हुए गौरवान्वित हो रहे हैं। आज हमारे देश के महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी वो महापुरुष हुए जिन्होंने सनातन धर्म को भारत में नहीं पूरे विश्व में फैलाया, और जब वे अमेरिका गए और अमेरिका की एक सभा में उन्होंने जो भाषण दिया वो आज तक के विश्व के जो अच्छे भाषणों में उनको शुमार किया जाता है, जाना जाता है। हालांकि महापुरुष किसी धर्म संप्रदाय के नहीं होते हैं, परंतु हमें यह कहते हुए गर्व होता है कि स्वामी विवेकानंद एक कायस्थ थे और आज काय समाज के हम सभी वर्ष जो उन्होंने आकर उनके मल्यार्पण किया। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।